नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नीट को लेकर, मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर जो सारा विवाद इस समय देश में चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको फेसबुक लाइव के ज़रिए जो भी जानकारी उपलब्ध है, जो इस समय जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वो अब मैं आपको दूंगा और आपकी राय भी इस बारे में जानना चाहूँगा। भारत में मेडिकल एडमिशन, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट को लेकर इस समय अगर आप देखेंगे तो तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जिन्होंने एक बाकायदा चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को कि आपको ओबीसी रिजर्वेशन इसमें लागू करना चाहिए। इसी तरह से कांग्रेस की प्रमुख नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को लिखा है कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। इसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, और केंद्र सरकार खुद भी सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुकी है कि ओबीसी रिजर्वेशन इसमें लागू होना चाहिए। ये सारा डेवलपमेंट आपको मालूम है, सारा कुछ अखबारों में काफ़ी कुछ छप चुका है। जैसे आज भी तमिलनाडु का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 4 घंटे पहले, उन्होंने मुलाकात करके ये कहा है कि जो नीट है, जो एडमिशन का प्रोसेस है पूरा मेडिकल एंट्रेंस का, उसको स्थगित किया जाए, तमिलनाडु को इसमें से बाहर किया जाए। तो आप समझ रहे हैं कि इस समय देश में इसको लेकर कितना सारा विवाद मचा हुआ है। तो इस बारे में मैं आपसे करीब कोशिश करूंगा कि आधे घंटे का एक छोटा सा वक्तव्य मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। एक रिक्वेस्ट जो मैंने कल भी किया था, और बहुत अच्छा रहा कि कल लगभग 4,500 लोगों ने वीडियो को शेयर किया, बहुत बड़ी संख्या में वीडियो देखा गया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी उठाया, लाखों की संख्या में कल जो जाति जबार जनगणना का वीडियो था उसको देखा गया। तो मेरा ये भी निवेदन है कि आप कृपया शेयर का बटन दबा दें। जो वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप शेयर का बटन दबा दें ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देख सकें। तो भारत में जो पूरा मेडिकल एजुकेशन है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा, लेकिन बाकी जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि भारत में मेडिकल एजुकेशन कैसे शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, और आज जो नीट को लेकर जो विवाद चल रहा है उसका इससे कैसे संबंध है। तो भारत में पहला मेडिकल कॉलेज 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिस समय भारत के काफ़ी बड़े हिस्से में उनका दबदबा था, उस समय कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज या बंगाल मेडिकल कॉलेज नाम से भारत में पहला मेडिकल कॉलेज खुलता है 1835 में। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन लाकर ये आदेश दिया कि एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए, और इस तरह भारत में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल एजुकेशन की हिस्ट्री शुरू होती है। तो ये वहाँ पर 1835 में ये मेडिकल कॉलेज खुलता है, और 1 जून 1835 में वहाँ क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज है और मॉडर्न एजुकेशन उसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ वो मेडिकल कॉलेज अटैच्ड था, तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भारत का पहला मेडिकल कॉलेज खुलता है प्राइवेट बिल्डिंग में। उसने उसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी, और अगले 6 महीने तक वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब आप पूछेंगे कि मेडिकल कॉलेज खुल गया, प्रिंसिपल और टीचर्स, 3 ब्रिटिश टीचर्स उसमें आ गए, 3 इंडियन डेमोन्स्ट्रेटर्स उसमें आ गए, मधुसूदन गुप्ता, नवकृष्ण गुप्ता और रामेश्वर अवस्थी, 3 डेमोन्स्ट्रेटर आ गए, स्टाफ आ गया, इक्विपमेंट्स आ गए, लेकिन पढ़ाई नहीं शुरू हो पाई। अब आप पूछेंगे पढ़ाई क्यों नहीं शुरू हो पाई, भाई मेडिकल कॉलेज खुल गया, स्टूडेंट्स भी आ गए, पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। तो पढ़ाई इसलिए नहीं शुरू हो पा रही थी क्योंकि जो मेडिकल की पढ़ाई है, इसके लिए सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को जानना जरूरी है, और इसके लिए डेड बॉडी को चीरफाड़ करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको अलग अलग हिस्से को चीरफाड़ करके वो देखना पड़ता है कि कहाँ क्या है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एक तरह से पहला पेपर उस समय, और शायद अभी भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज में ह्यूमन एनाटॉमी जो है पहले पेपर के तौर पर पढ़ना था। अब चूंकि ब्रिटिश लोगों का मेडिकल कॉलेज था, और ब्रिटिश या मुगल या उससे पहले के भी मुस्लिम शासक अगर आप देखेंगे तो भारतीय सोसाइटी का जो सबसे आगे बढ़ा हुआ, जो इलीट, जो कास्ट के हिसाब से अपर कास्ट, उन्हीं का इनके साथ लेना देना संबंध होता है। तो सारे स्टूडेंट जो आए वो हिंदू अपर कास्ट फैमिलीज से आए, कोई मिस्टर सेन, कोई मिस्टर बैनर्जी, इस तरह के स्टूडेंट्स आए।
अब वो उनका शास्त्र जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप डेड बॉडी को छुएं। तो 6 महीने तक वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि डेड बॉडीज तो छू नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर डेड बॉडी छू देंगे तो जाति चली जाएगी, फिर आप एक तरह से आपको फिर समाज के अंदर आप सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इस वजह से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 10 जनवरी 1936 तक मेडिकल की पढ़ाई नहीं शुरू हो पाई, मतलब 6 महीने से ज़्यादा समय तक मेडिकल की पढ़ाई नहीं शुरू हो पाई। आखिर में मधुसूदन गुप्ता नाम के जो डेमोंस्ट्रेटर थे, जो वहाँ जिनका एडमिशन भी हुआ था पढ़ाई के लिए, उन्होंने पहली डेड बॉडीज को टच करने का फैसला किया। इससे पहले बहुत बवाल हो चुका था क्योंकि वो विद्यार्थी अपने घरों में जाके कह रहे थे कि हमें डेड बॉडीज छूने के लिए कह रहे हैं। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके माँ बाप आके कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के गेट पर प्रोटेस्ट करने लगे कि आप हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। तो इस बीच में मधुसूदन गुप्ता के पापा इसके लिए तैयार हुए और बहुत साहस के साथ अपने हाथ में वो कैंची और चीरा और चाकू लेकर, स्केल्पल लेकर डाइसेक्शन के लिए गए, और साथ में प्रोफेसर H.H. गुडेव वो प्रोफेसर थे, वो उनके साथ साथ गए और पूरा पूरा सारा कुछ लोग देख रहे थे उस तमाशे को कि ये मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए डेड बॉडी को चीरा लगाएगा। और कहा जाता है, मैं आपको एक रिसर्च पेपर मिस्टर शंकर नाथ का है उसमें बताता हूँ, ये कहा गया पॉपुलर हेयर से प्रिवेल्स दैट इन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट डे ऑफ ह्यूमन डेड बॉडी डाइसेक्शन टू मेक दैट डे मेमोरेबल ए गन वॉज फायर्ड फ्रॉम द फोर्ट विलियम्स कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों का किला था वहाँ से एक बाकायदा तोप दागी गई कि भारत में पहली बार मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो गई है और अब मतलब डेड बॉडीज को चीरा लगाया जा रहा है, जिसका मतलब भारत में अब डॉक्टर्स बनने जाएंगे। हालांकि बाद में हिस्टोरियन है राजा विनय कृष्ण देव, उन्होंने लिखा है इट इज सेड दैट ए गन वॉज फायर्ड फ्रॉम द रैमपार्ट ऑफ फोर्ट विलियम्स बट इट वॉज नॉट करेक्ट बिकॉज होल इवेंट ऑफ द फर्स्ट डे डाइसेक्शन वॉज केप्ट सीक्रेट। एंड वाई दैट वॉज केप्ट सीक्रेट? फॉर द फियर ऑफ समाजपतिज इन द पर्सपेक्टिव स्टोरी ऑफ गन फायर डज नॉट सूट एट ऑल। तो जो समाजपति हैं, जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, उनसे बच के बहुत छुप छुपा के ये पूरा डाइसेक्शन हुआ था। तो अब आप इस बात को समझिए कि जो इंडियन सोशल क्लास, जो कास्ट डेड बॉडी छू नहीं सकता है, अब पढ़ाई होनी है तो आगे चलकर आपको पेशाब भी छूना पड़ेगा, पखाना भी छूना पड़ेगा, खखार भी छूनी पड़ेगी, वीर्य भी छूना पड़ेगा, पैथोलॉजी भी पढ़नी होगी, आपको हो सकता है कि पाइल्स का ऑपरेशन भी करना पड़े, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा वो जिसके लिए धर्मशास्त्र इजाजत नहीं देता है। आप ये सब नहीं कर सकते हैं, आप डेड बॉडीज, पड़ी हुई डेड बॉडीज कैसे छुएंगे, इससे तो धर्म नष्ट हो जाता है। आप किसी और की का पैखाना छुएंगे, मतलब टट्टी छुएंगे, ये कैसे पॉसिबल है? हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्चुअली जो मेडिकल का प्रोफेशन है जिसमें आपको टच करना है तमाम लोगों को, जो रजस्वला औरत है, स्त्री है, वो अगर आपके उस मरीज अगर आएगी तो उसका भी उसको भी आपको टच करना है, भाई आप नहीं छू सकते हैं ना, रिलीजन के स्क्रिप्चर्स के हिसाब से तो टच नहीं कर सकते हैं। तो टच करने का इनका एक जो था ये करना पड़ा इनको, और इस वजह से मेडिकल प्रोफेशन जो भारत में इवॉल्व हुआ, तो जब पावर और पैसा आ जाता है तो रिलीजन अपना कलर चेंज करता है, कास्ट अपना कलर चेंज करता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, 1960s या 70s तक भारतीय फिल्मों में हीरोइन कौन थी, कौन नाच रही थी? आप देखेंगे सारी डांसर, सारी हीरोइनें वो थी जो आम तौर पर जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका संदिग्ध जन्म हुआ था, जैसे वेश्याओं की बेटियाँ, नाचने वालों की बेटियाँ, उस परिवारों के लोग, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इस तरह के आपको सारी हीरोइनें मिलेंगी आप उस समय का आपकी हिस्ट्री देखिए। फिर जब पैसा आ जाता है पोस्ट 70s और 80s में, तो आप देखिए फिर माधुरी दीक्षित, फिर आपको अनुष्का शर्मा, उससे पहले हेमा मालिनी, और फिर वो सारा कुछ आप देखेंगे, उस चेंज को आप देख सकते हैं, इस चेंज को आप फील कर सकते हैं। तो यही हुआ, जब मेडिकल प्रोफेशन जब तक पैसे का नहीं था तब अलग तरह के लोग वैद्य थे, और पैसा आते ही अलग तरह के लोग वैद्य हो गए। तो इस उसी समय से अगर आप देखेंगे तो मेडिकल प्रोफेशन में एक हिंदू अपर कास्ट का डोमिनेशन जो है, वर्चस्व है, ये कायम है। और आज की जो लड़ाई है, मैंने आपको इतनी सारी कहानी सिर्फ इसलिए बताई कि आज जो नीट का मामला है ये आपको उस वर्चस्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें ढेर सारा पैसा है, विदेश जाने के मौके हैं, नर्सिंग होम खोलकर ढेर सारा पैसा कमाने का मौका है। इस जो प्रोफेशन है इस पर एक तरह से जो अपर कास्ट का डोमिनेशन है, वर्चस्व है, ये कायम रखने की कोशिश जो है वही आज के इस विवाद के मूल में है। अब भारत में ये वर्चस्व कैसे कायम हुआ? आज़ादी के बाद से भी जो आप देखेंगे तो मेडिकल की जिस तरह से पढ़ाई हुई उसमें दो फॉर्मेट बने,
एक तो राज्यों के मेडिकल कॉलेज बने और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज बने। राज्यों के मेडिकल कॉलेज में अपने अपने ढंग से उन्होंने रिजर्वेशन देना शुरू किया और उसके बाद फिर केंद्र में भी SC ST का रिजर्वेशन लागू हुआ, राज्यों ने OBC का भी रिजर्वेशन देना शुरू किया। यह सारी कहानी इसी तरह से चलती गई, लेकिन एक चीज़ इसके बाद बदल जाती है, और वो चीज़ क्या बदलती है कि 1984 में सुप्रीम कोर्ट का एक प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि सारी राज्य सरकारें अपनी 50% सीटें 50% सीटें केंद्र सरकार को दे देंगी और केंद्र सरकार उसमें अपनी परीक्षा कराएगी। ऑल इंडिया PMT जो भी हमारे यहाँ इस डिस्कशन को वरिष्ठ लोग सुन रहे हैं उनको पता होगा, ऑल इंडिया PMT एक परीक्षा होती थी जिसमें कि केंद्र सरकार उस परीक्षा को कराती थी और वहाँ से फिर राज्यों में स्टूडेंट्स भेजे जाते थे। तो 50% सीटें राज्यों से केंद्र सरकार ने अपने पास ले ली। ये 1984 का किस्सा है, 22 जून 1984। और केस जिनको जो लोग देखना चाहते हैं डिटेल, उनके लिए मैं आपको केस बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का केस है 1984 प्रदीप जैन सुप्रा, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा, जो पढ़ सकता है कोई भी इस केस को। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक ऑल इंडिया एग्जाम शुरू हुआ और राज्यों के 50% सीटें उठा ली गई। अब उसमें उन्होंने ना SC का कोटा दिया ना ST का कोटा दिया, OBC का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो उस समय ये कोई कोटा नहीं था। तो राज्यों से जो सीटें ली गई केंद्र सरकार के पास, वो केंद्र सरकार फिर अपनी परीक्षा करा के राज्यों को के पास स्टूडेंट भेज देती थी। पर्पस ये था कि राज्यों के मेडिकल कॉलेज में देश भर के विद्यार्थी जाने चाहिए, और जिन राज्यों में मेडिकल कॉलेज और कम हैं या मेडिकल एजुकेशन का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके बिहार वगैरह जैसे राज्य जहां मेडिकल कॉलेज कम थे, उनके स्टूडेंट भी पढ़ सकें, इसके लिए ऑल इंडिया PMT का प्रोविज़न आया। मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ। मेरी बातचीत अभी तक दो हिस्से में है। पहले हिस्से में मैंने आपको बताया कि भारत में मेडिकल प्रोफेशन की हिस्ट्री किस तरह से शुरू होती है, पहला मेडिकल कॉलेज, पहला डाइसेक्शन, पहला चीरा लगाना वगैरह वगैरह, और उनका अपर कास्ट डोमिनेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपको मैंने पहले बताया। और इसके बाद के हिस्से में आज़ादी के बाद का किस्सा है। तो 1984 आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अपने हाथ में ले लिया। SC ST का भी रिजर्वेशन नहीं है, तो SC ST के विद्यार्थी चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अभयनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में 31 जनवरी 2007 का एक जजमेंट आता है, और उसमें ये बताया जाता है कि SC ST का जो ऑल इंडिया कोटा है, इसमें SC ST को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो 2007 31 जनवरी के बाद उस साल जो भी आपको AIPMT होती है उसमें SC ST का रिजर्वेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी अभी OBC रिजर्वेशन की कोई चर्चा नहीं है। और आप ध्यान रखिए कि ये पीरियड कौन सा है, 2007 का पीरियड है। इससे ठीक पहले क्या हो चुका है, 2006 में जो मंडल कमीशन की एक और सिफारिश के आधार पर अर्जुन सिंह, जो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री थे, वो OBC का रिजर्वेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में लागू कर चुके थे। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में OBC रिजर्वेशन तो लागू हो गया, लेकिन जो राज्यों को आप कोटा भेज रहे हैं, जो स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, उसमें OBC का कोटा लागू नहीं हुआ। अब आप इसको समझिए कि पूरा मामला क्या है। अगर टोटल नंबर ऑफ, जो अगर आप देखें, मेरे पास इस समय ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको ड्रॉ करके समझाऊँ कि टोटल सीट्स आपको अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, ये है, तो इसमें से राज्यों के मेडिकल कॉलेज और केंद्र के मेडिकल कॉलेज, केंद्र के मेडिकल कॉलेज जो है इसमें SC ST OBC तीनों का रिजर्वेशन लागू है। अब राज्यों का जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें जो ये अपनी 15% UG की सीट, मतलब MBBS की सीट, और 50% PG की सीट सेंट्रल पूल में दे देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां से जब राज्यों को कैंडिडेट भेज रही है, तो यहां पर वो OBC को रिजर्वेशन नहीं दे रही है। आपको इस तरह से समझना होगा कि ये किस तरह से हुआ है। अब देखिए, मैं आपको अब थोड़ा सा इस साल अभी जो नीट का जो रिजर्वेशन और सारा कुछ जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को आपको दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, इसमें इसको कुछ लोग चाहें तो, बहुत सारे लोगों के पास ये ऑलरेडी होगा, इसका स्क्रीनशॉट काफ़ी घूम रहा है। इसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन लागू होना है। आप रिवर्स में देख पा रहे होंगे, लेकिन ये आप निकाल सकते हैं। नीट नोटिफिकेशन 2021 अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको
इस साल का भारत सरकार का नीट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया कि कुछ लोग इसको निकाल के रख लें तो वो देख सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप इसको अगर शेयर कर लें तो आपके और आपके भी दोस्तों तक ये बात पहुँचेगी। तो नीट का जो इस साल का नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है कि ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन कैसे लागू होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि एससी में 15% रिजर्वेशन लागू होगा, एसटी में 7.5% रिजर्वेशन लागू होगा, जो फिजिकली चैलेंज हैं उसमें 5%, इन सारी कैटेगरीज में बांटकर एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लागू होगा, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 27% रिजर्वेशन लागू होगा ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इस बात को आप समझिए कि ये क्या मामला है कि ओबीसी का रिजर्वेशन जो ऑल इंडिया सीट्स राज्यों से ली गई हैं उसमें लागू होगा, लेकिन सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसे अगर यूपी के मामले में देखें तो यूपी अपनी 1400 सीटों में से 700 सीट अगर पीजी की सेंट्रल पूल में देता है, 50% पीजी की सीटें, तो वो 700 सीटें जब लौट के राज्यों में आएंगी, राज्यों इन राज्यों के मेडिकल कॉलेजेज में आएंगी, तो राज्यों के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि इफेक्टिवली जो यूपी में रिजर्वेशन लागू हो रहा है ओबीसी का, वो 27% नहीं, उसका आधा ही लागू हो रहा है। तो ये अब इसी के नीचे फिर एक नोट लगाया है कि जो केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है इसमें आप देखिए कि इसके बाद एक नोट है लिखा हुआ, ये नोट आप पढ़ सकते हैं जिसमें कि ये आपका इसके बाद नोट है। तो नोट ये है, वो ये कह रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने वाइड ऑर्डर डेटेड 27/7/2020 इन रिट पिटीशन नंबर 8324 ऑफ 2020 डायरेक्टेड दैट ए कमिटी कंप्राइजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DGHS, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया वुड बी कंस्टिट्यूटेड टू डू व्हाट, टू सेट द टर्म ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा। तो भारत सरकार ये कह रही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने हमें आदेश दिया है कि ओबीसी कोटा कैसे लागू करें, इसके लिए आप एक कमेटी बनाएं। अब केंद्र सरकार ने एक ओबीसी कोटा लागू करने के लिए कमेटी बना दी, और कमेटी बनने के बाद आदेश तो ये था कि लागू करें, और सरकार के पास एक रिपोर्ट आ गई कि लागू करना है। अब केंद्र सरकार यहां पर एक खेल कर जाती है। खेल क्या है कि इसके बाद वो ओबीसी कोटा लागू करने की जगह उस कमेटी की रिपोर्ट को जाकर सुप्रीम कोर्ट को सौंप देती है कि आप ये देखिए हमारी रिपोर्ट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप 2015 से आपके यहाँ एक केस चल रहा है, सलोनी कुमारी केस, जो ओबीसी की लड़की है और ओबीसी का रिजर्वेशन मांग रही है, आप 6 साल से इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, इसी केस के साथ आप इस रिपोर्ट को भी की भी सुनवाई कर दीजिए। अब जो केस 6 साल से चल रहा है उसमें केंद्र सरकार ने उस केस के साथ इस रिपोर्ट को नत्थी कर दिया, और आखिर में क्या कहा, मैं यूजीसी का नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ। Therefore, the reservation to OBC candidates in state surrendered seats under All India Quota from the academic session 21-22 shall be subject to the outcome of the case pending before the Honorable Supreme Court in writ petition number 596 of 2015. ये सलोनी कुमारी केस। तो सलोनी कुमारी केस का जब तक फैसला नहीं होगा तब तक ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ये केंद्र सरकार कह के निकल गई। अभी केंद्र सरकार अगर चाहती कि इसको लागू करना है तो बहुत आसानी से इसको अभी लागू कर देती, और उस पर सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे देता तो देख लेती। दूसरा इनके पास उपाय था कि एक ऑर्डिनेंस ले आते और उसको लागू कर देते, जरूरत पड़ता तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लेते। EWS में अगर आप बगैर किसी डाटा के EWS का आरक्षण आप 48 घंटे में लागू कर सकते हैं, तो भारत की आधी से ज़्यादा आबादी जिस सोशल ग्रुप की है ओबीसी की, 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए आप एक ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला सकते हैं। तो सरकार ने यहाँ पर बेईमानी कर दी, और बहुत दिलचस्प ये है कि ये बेईमानी करने का जो मतलब यजमान बैठे इस यज्ञ में वो ओबीसी का यजमान बैठाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाकर उनसे ये नोटिफिकेशन जारी कराया गया। तो ये खेल हो गया है आपके साथ। तो मेडिकल का प्रोफेशन जिसमें आज की तारीख में इतना पावर है, इतना पैसा है, इतनी समृद्धि है, विदेश जाने के मौके हैं, उस प्रोफेशन में ओबीसी कम से कम आए इसके लिए सारा काम हो रहा है। अगर अब आपका कोई किसी का भी ये कमेंट आता है कि इस पूरे राज्यों का कोटा, ऑल इंडिया कोटा,
और 2007 का केस और ये इस बार का नोटिफिकेशन, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं संक्षेप में एक बार रैप कर दूंगा। आप में से कोई भी चाहें तो इसको आप एक बार पूछ लीजिए कि क्या क्या समस्या इसमें, अगर कोई आपको समझने में, या मेरे अभी तक मैंने कोई ओपिनियन नहीं दी है, जनरली मैंने फैक्ट 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 और वर्ष और नोटिफिकेशन का नंबर और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का नंबर यही बताया है। तो कोई अगर इसमें कोई आपको कोई चीज़ समझनी है कि इस बार के नोटिफिकेशन में ओबीसी का कोटा है नहीं है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, फिर ऑल इंडिया में सीटें जो ली जाती है राज्यों से वो कैसे फिर राज्यों को लौटाई जाती है, कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार पूछ लें, नहीं तो मैं अब आप अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से में जाने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है अभिषेक जी, आप कह रहे हैं कि अच्छा समझा दिया। विनोद कुमार कह रहे हैं कि पिछड़ों को कांवड़ यात्रा पूजा पाठ से छुट्टी नहीं मिली है। सुभाष यादव जी का कमेंट कमेंट है। अशोक राव कह रहे हैं तकलीफ किन किन लोगों को है, उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। सेंट्रल एंड स्टेट वैकेंसीज प्लीज़ एलोबरेट इट। प्रशांत अल्टे साहब, विश्व यादव साहब कह रहे हैं फिर से समझाइए। ओके फाइन, मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है। शिवजीत यादव जी कुछ गाली वगैरह देना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। पार्टियों का स्टैंड क्या है, ये निकेश सिंह पूछ रहे हैं। सतवार साहब, धर्मेंद्र कुमार पूछ रहे हैं समस्या का समाधान कैसे होगा, प्लीज़ डिस्कस अगेन। फाइन, सो लेट मी डिस्कस इट अगेन, राइट। सो देखिए पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या फॉर्मूला था। आज़ादी के बाद का ही शुरू करते हैं, उससे पहले का छोड़ देते हैं। भारत में मेडिकल की पढ़ाई कैसे होगी, इसका फॉर्मूला ये बना कि राज्यों के भी मेडिकल कॉलेज होंगे और केंद्रों केंद्र सरकार के भी मेडिकल कॉलेज होंगे, और उसमें से एमबीबीएस और फिर एमडी एमएस वगैरह जो भी होता है वो सब बनेंगे। ये फॉर्मूला है कि राज्यों का भी होगा और केंद्र का भी होगा। तो राज्य के मेडिकल कॉलेज अपने नियम से, अपने एंट्रेंस से अपने यहाँ स्टूडेंट की भर्ती करते थे, और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की अपनी परीक्षा होती थी। ये सिस्टम 1984 तक चलता रहा। 1984 में क्या होता है कि केंद्र सरकार प्रदीप जैन केस में ये फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट कि 50% जो राज्यों के मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं, 50% सीटें वो राज्यों की ये केंद्र सरकार को दे दिए जाएं, राइट। अब इन सीटों के लिए केंद्र सरकार एक परीक्षा कराती है ऑल इंडिया पीएमपी, उस समय नीट नहीं था। और इसके बाद ये इन सीटों में जो विद्यार्थी आते थे, इसमें इस परीक्षा को किसी भी राज्य का कोई भी विद्यार्थी दे सकता था, और इन विद्यार्थियों को फिर राज्यों के मेडिकल कॉलेजेज में भेजा जाता था। इसी का विवाद है। इस जो ये जो सीटें थी 50% जो राज्यों से ली गई थी, राज्यों के मेडिकल कॉलेज से, इसमें केंद्र सरकार कोई रिजर्वेशन नहीं लागू करती थी, ना एससी ना एसटी ना ओबीसी, कोई भी रिजर्वेशन नहीं, ना फिजिकली चैलेंज, कोई भी नहीं। 2007 तक यही व्यवस्था कायम रहती है। 2007 में बालाकृष्ण साहब उस समय चीफ जस्टिस थे संभवतः, या जस्टिस थे, उन्होंने उनकी बेंच ये फैसला देती है अभयनाथ केस में, 31/1/2007 में ये फैसला आता है कि इसमें SC ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये आधी जो सीटें इसमें राज्यों से जो ली हुई हैं, तो अब यहाँ से जो सीटें, जो स्टूडेंट राज्यों के मेडिकल कॉलेज में जाने लगे, इसमें SC ST को रिजर्वेशन मिलने लगा। इससे पहले ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हो गया था 2006 में, अर्जुन सिंह ने लागू कराया था, तो ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलने लगा, लेकिन ये सिर्फ केंद्र के मेडिकल कॉलेजेज में लागू हुआ, राज्यों में नहीं हुआ। इस वजह से हर साल ओबीसी के सीटों का नुकसान होने लगा। ओबीसी के विद्यार्थी सलोनी कुमारी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, उसका केस पेंडिंग है। इसी बीच में तमिलनाडु में एक केस आता है, और तमिलनाडु के केस में तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, वो फैसला देता है कि आपको ओबीसी का रिजर्वेशन राज्यों को में भी लागू करना पड़ेगा, राज्यों के मेडिकल कॉलेज में भी लागू करना पड़ेगा, और इसके लिए आप एक कमेटी बनाइए। कमेटी में कौन कौन रहेगा? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज वो केंद्र सरकार के रहेंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक कमेटी बना देगी जिसको रिपोर्ट कहा गया। 3 महीने के अंदर में सब सेटल कीजिए और लागू कराइए। इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और ये कहा कि इसमें पोजिशन ली केंद्र सरकार ने कि हाँ ओबीसी को भी हमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा जो हम राज्यों को सीटें भेज रहे हैं, लेकिन ओबीसी का ये जो रिजर्वेशन है इसको केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया। किया क्या कि इस रिपोर्ट को जाके वो सुप्रीम कोर्ट में सौंप आए कि सलोनी कुमारी का केस आपके यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, इसको आप एक बार फिर से
देख लीजिए हमारी रिपोर्ट, लागू करनी है लेकिन हम तो नहीं करेंगे, आप एक बार देख लीजिए। अब जो केस 6 साल से चल रहा है, जाहिर है वो अगले 20 साल तक चल सकता है, और जब तक चलता रहेगा तब तक ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। ये है कुल स्थिति। इसी बीच में इस बार लागू करना था उनको, इसी बीच में धर्मेंद्र प्रधान एक दिन अचानक से नीट का एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, और उसमें जो नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें क्या क्या है, कि जो इसका पेज नंबर 21 है इस साल का नोटिफिकेशन, उसको आप पढ़िए तो पता चलेगा कि एससी का रिजर्वेशन 15% सब जगह लागू होगा राज्य केंद्र में, एसटी का रिजर्वेशन 7.5% राज्य और केंद्र दोनों जगह लागू होगा, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लागू होगा। ये धर्मेंद्र प्रधान साहब शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने ये लागू कर दिया इस साल के लिए। इसका मतलब ओबीसी की सीटें इस साल भी जाएंगी, और ये जो पूरा मामला है इसकी वजह से आपको ओबीसी का 4 वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों से टोटल सीटें ली थी 40,842, और ओबीसी की सीटों का नुकसान हो चुका है 11,027। इसमें अगर आप वेटनरी डॉक्टर्स वगैरह भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 20,000 ओबीसी की सीटों का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। इस साल और हो जाएगा, और ऐड कर लीजिए तो ये संख्या और चली जाएगी ज़्यादा। तो एक सरकार ऐसी है जो ओबीसी इतना करती है, तमाम तमाशा कर रही है। प्रधानमंत्री चुनाव के समय खास करके हर तीसरी चौथी सभा में कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का की माँ का बेटा हूँ, मुझे नीच कह दिया, हाँ मैं हूँ नीच जाति का, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ वगैरह वगैरह वो कहते ही रहते हैं चुनाव के समय। आप देखिएगा नरेंद्र मोदी की जाति किसी ने नहीं पूछी तो वो खुद ही बताते हैं, मतलब आमतौर पर चुनाव के समय में वो बताते ही बताते हैं इस बात का। तो अब ऐसी सरकार और जिन्होंने ओबीसी 27 मंत्री बना दिए और शिक्षा मंत्री बना दिया, वो ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं कर रही है। अब सवाल ये है जो आप पहले ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या अभी किया जा सकता है। देखिए इसका जो पूरा आंदोलन है वो खास करके दक्षिण भारत में है, मूवमेंट जो है सड़क पर आंदोलन है, जो लोग पिछले साल एक अनीता नाम की लड़की जो 98% रिजर्वेशन स्टेट बोर्ड में लेके आती है और उसका जब एडमिशन नहीं होता है तो वो आत्महत्या कर लेती है, उसके खिलाफ वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। डीएम के अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है कि हम ओबीसी रिजर्वेशन लागू कराएंगे और नीट जो है वो अगर नहीं होगा तो नीट से हम अलग हो जाएंगे तमिलनाडु का। तमिलनाडु में ऑलरेडी 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, वो अलग हो गया तो उनको वो तो फिर फायदे में रहेंगे। तो आप समझ लीजिए बिहार झारखंड के मुकाबले उनके मेडिकल कॉलेज कितने ज़्यादा हैं, और उसमें 2 तो वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज उनके हैं। तो या आपको इवन केरल वगैरह में भी ये डिमांड है, उत्तर भारत में इसकी डिमांड कम है। अभी ओबीसी को आप समझिए ना कि आप नीट समझाइए, फिर ऑल इंडिया कोटा समझाइए, फिर आप उसमें अभयनाथ का जजमेंट समझाइए, फिर सलोनी कुमारी समझाइए, फिर मद्रास का जजमेंट समझाइए, इसके बाद कमेटी समझाइए, कमेटी की रिपोर्ट समझाइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझाइए, आप क्या ये 10 लाख और 20 लाख ओबीसी को इतना समझा पाएंगे? मैं आप तो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, आप इसको शायद समझ पा रहे होंगे, और आपने अगर थोड़ा बहुत खबर देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। क्या इस देश में 10 लाख या 20 लाख की आबादी को आप इन जटिलताओं को समझा पाएंगे जिन जटिलताओं में इन्होंने आरक्षण को डाल दिया है? मतलब कुल मिलाकर इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया गया है कि ये बहुत बड़ा, बड़े ज़्यादा लोगों तक ये समझ में ही नहीं आए। जो नीट की परीक्षा दे रहा है उसको तो समझ में आ रहा है, ओबीसी का जो आदमी पढ़ा लिखा है, लॉयर है, शिक्षक, उसको तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आप समझिए कि किसान को आपको समझाना है जिसको कि नीट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसान काफ़ी पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, और समझिए कम कंपेरेटिवली पढ़े लिखे किसान को आपको समझाना है। कैसे समझाएंगे कि क्या नीट है, क्या AIPMT है, क्या फार्मूला है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्या ऑल इंडिया कोटा है, ऑल इंडिया के अंदर कैसे सब कोटा है, राज्यों को सीटें जाती है, सेंट्रल पूल होता है सीटों का, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स आप कितना समझा पाएंगे? जबकि सरकार बहुत सीधे सीधे काम करती है, सरकार ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनका मामला तो इतना सिंपल है, आज कुछ नहीं अगर आप करते हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो स्टेटस को जो है, जो स्थिरता है इस समय की, जैसा है वैसा ही चलता रहे तो ओबीसी का नुकसान है, और ओबीसी का नुकसान है तो क्या मतलब है, ये सीटें ओबीसी की कहाँ जा रही हैं भाई? ओबीसी की सीटें यहाँ पर एससी तो आ नहीं रहा है, एसटी तो इसको ले नहीं रहा है, मुसलमान को ऐसा नहीं है कि उनको मिल रहा है, ये सीटें ऑब्वियसली हिंदुओं पर कास्ट के पास ये सीटें जा रही हैं, उनके बेनिफिट का है। तो ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी अगर आप विरोध नहीं करते हैं, सीधा सिंपल है। नॉर्थ में इसका विरोध कम है कंपेरेटिवली, वैसे अच्छा है कि इसमें सोनिया गांधी ने बहुत एक साहसिक फैसला लिया और केंद्र सरकार को, बाकायदा प्रधानमंत्री को उन्होंने लिखा कि आप इसमें ओबीसी रिजर्वेशन लागू कीजिए। प्रियंका गांधी की भी इसमें आप ट्वीट भी देख सकते हैं, उन्होंने भी किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव यहाँ बोल चुके हैं, उससे पहले इस इशू पर आपको SP BSP भी छिटपुट बोल चुकी है, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने नहीं बोला, लेकिन बहुत बड़ा कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, चेतना का वो लेवल नहीं है जहाँ पर
इसको आप बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन बना सकें। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर बात की जाए, इस पर बहुत बात करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, बहुत पावरफुल प्रोफेशन है, बहुत एक एक डॉक्टर की एक समाज में एक क्या हैसियत है आप इसको समझ सकते हैं, वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कितना पावर बिल्ड करता है। तो इस प्रोफेशन पर जो अपर कास्ट डोमिनेशन है उसका इस देश को बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलता है, वो या तो विदेश भागने की कोशिश करते हैं या अपना प्राइवेट नर्सिंग होम वगैरह बैठा के या प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि भारत में जो बेसिक मेडिकल हेल्थ केयर का जो पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसमें SC ST OBC के ही डॉक्टर ज़्यादा हैं। उन्होंने ही कोविड में इस देश को संभाला है, जिन डॉक्टर्स ने, वो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, उनमें तो कई नर्सिंग होम बंद करके डॉक्टर बैठ गए, कई प्राइवेट क्लिनिक वो बंद करके चुपचाप बैठ गए। उस दौरान इस देश में कौन डॉक्टर्स थे जो इस देश को संभाल रहे थे? तो वो SC ST OBC के डॉक्टर्स थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि SC ST OBC के बहुत डॉक्टर्स हों। आपको जैसे आप आज तक कोई ऐसा SC ST OBC का डॉक्टर नहीं हुआ जिसने किडनी बेची हो, वो किडनी बेच ही नहीं सकता, वो ये जोखिम लेगा ही नहीं, उसको मालूम है कि पकड़े जाएंगे तो ज़िंदगी भर बाहर नहीं आएंगे, ये जोखिम भी कौन लेता है जिसका ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये सारी स्थितियाँ हैं। तो नीट का सवाल मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट सवाल है, जटिलताओं में है, आप इसको मेरे ख्याल से देखें, समझें और इस बारे में अपनी ओपिनियन बनाएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। जटिल है लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप अगर सिर्फ दो चार डॉक्यूमेंट देख लें, जैसे आप इस साल का नीट का नोटिफिकेशन देख लें और मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट देख लें और सलोनी कुमारी केस में अब तक जो हुआ है पिटीशन वगैरह ये देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खेल हो रहा है। या इसमें जो खास करके तमिलनाडु सरकार जो जो कर रही है उसको अगर आप अखबारों में देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तमिलनाडु इस पूरे आंदोलन की जो युद्ध भूमि है, जहाँ पर ये संग्राम हो रहा है वो तमिलनाडु है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप खास करके इस बात पर नज़र रखें कि स्टालिन क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, DMK क्या कर रहे हैं, उस पर नज़र रखिए। तो इस हिसाब से आपको इस पूरे मामले को आपको समझने में आसानी होगी और आप इस पर एक सुसंगत, बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट बेस्ड अपनी ओपिनियन बना पाएंगे। बहुत तरह का इसमें प्रपंच छल हो सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट देखें, गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके देखें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखना है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके देखें। बहुत फैक्ट बेस्ड अगर आप इसको रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इस बात को समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से जब एक बात कह रहे हैं सेतवार साहब कि नेताओं की कोई गलती नहीं है, सारे भगत बनते जा रहे हैं, असल में देखिए नीचे से जनता का दबाव होता है तो नेता भी समझता है, नेता बिना मतलब जोखिम लेगा नहीं, वो बोलेगा कि हमने OBC के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, अपर कास्ट नाराज हुआ, OBC पीछे आया नहीं। तो OBC नेताओं को आप अपनी लड़ाई आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, नेता भी समझता है, देखता है कि नीचे समाज में कितना करंट है, तब उस करंट पे वो सवार होता है। वो मतलब पानी में कूदने के लिए कोई नेता इस आंदोलन में नहीं आ जाएगा कि मतलब कुछ लोग होते हैं, अब लालू की परंपरा है कि भाई सामाजिक न्याय का सवाल है तो बोलना है, तेजस्वी बोल देंगे, लेकिन आमतौर पर नेता बहुत सोच समझ कर ही इस आंदोलन में आएंगे। बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी मुहिम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अगर आपको बात समझ में आ रही है या उसको और समझने की कोशिश करें, और इसको आप अगर वीडियो को शेयर भी कर देंगे तो कल जैसे वीडियो 4000 से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया तो ये लाखों की संख्या में व्यूज होते हैं इसके, तो आप भी इसको एक बार देख लें और ज़रूरत अगर उचित समझें तो इसको आप शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार, आप इतने सारे लोग एक साथ इस जटिल और कॉम्प्लेक्स विषय पर आपने जुड़कर पूरी बात को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।